blogspot.com में जो आपका जो एडलिंग प्राई का जो मैंने थीम दिया था अपने शेटअप करना आपको नहीं याद आ रहा है? ओके, तो जितनी पे भाई ऐसे हो तो कैसे शेटअप करोगे देख लो। ओके, तो पहले तो आपको लेवर्ड पे आ जाना। ओके, जिधर आपका लाइसेंस है वहीं पे लाइसेंस जो फ्रीडम मेरा है वह लाइसेंस पहले होगा। उसके बाद आपका एडलिंग प्राई का जो लास्ट पेज का डोमेन रहता है वो डोमेन दे दो। ओके, डोमेन को कहाँ पेस्ट करना है देखो, ये पे देख लो, हेडलिंक फ्लाई इक्वल टू देख लो, ये पे जो डोमेन है देख सकते हो। ओके, ये पे डोमेन रहेगा और देखो मैं कंप्लीट करके इसको दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे कहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो पहले तो मैं कुछ बता देता हूँ, जो भी भाई जो ये वाला थीम को लेना चाहते हो जो दोनों में वर्क करेगा, जो एडलिंग प्लाई के लिए वर्क करेगा और ब्लॉगर पे भी वर्क करेगा, तो ब्लॉगर पे आप डायरेक्टली लिंक जनरेट कर सकते हो और एडलिंग प्लाई से भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब एडलिंग प्लाई से इसमें बाईपास होगा, बाईपास होके फिर एडलिंग प्लाई में जो लास्ट डोमेन रहता है जो गो टू लिंक उसमें जाएगा। तो आपको और एक वीडियो देखना चाहिए जो मेरे चैनल पे है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको बता दिया जाएगा जो कैसे एक शॉर्ट डोमेन को ऐड कर सकते हो। और इसमें जो टाइमर है, टाइमर अगर आप जो फेस को क्लोज करोगे तो टाइमर और शो मतलब रन नहीं हो रहा है, तो सिस्टम तो अच्छा है। ओके, तो लास्ट फेज है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वाला थीम चाहिए तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें। देखिए gold.com पर मैंने जनरेट किया था, देखो आपका एडलिंक प्लाई में होगा तो मैंने यही पे जो बीटले लिंक पे किया था। ओके, तो बीटले लिंक पे एग्जांपल मेरा यही पे मैंने जनरेट किया, और इसका जो बाकी इधर जितने रह रहा है, ओके देखो जिसका टोकन है मैंने टोकन का कॉपी किया। इसके बाद देख लो जो इधर देख रहे हो जो एडलिंक प्लाई जो कुकी ऐड टैग दिख रहे हो, ये वाला टैग दिख रहे हो, ये टैग देख लो। ओके, जो क्वेश्चन मार्क होता है इसके बाद वो देखे इक्वल टू, तो मैं इसको व्यू ब्लॉक करता हूँ। उसके बाद इसको ऐसे एडिट में जाता हूँ, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क देता हूँ, इसके बाद वो देता हूँ, इसके बाद इक्वल टू जो टोकन का कोड है उसको दे दो। ओके, और इसको जो डायरेक्टली कैसे करोगे मतलब डायरेक्टली एडलिंक प्लाई से जनरेट होकर आएगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो दे दिया, नीचे वीडियो को देख लो। ओके, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा था मतलब कैसे जो इस ब्लॉगर के अंदर टोकन को ट्रांसफ़र करे वो वाला मैंने बोल दिया। ओके, तो गो अगर करेंगे देखो फिर से स्टार्ट होगा।